हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए साधारण ब्याज वाला चैप्टर लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करता हूँ। साधारण ब्याज बराबर, हमारे पहला सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और दूसरा फार्मूला हमारा दर बराबर ए माइनस बी गुणा 100 बटे बी गुणा समय। ठीक है, दर बराबर ए माइनस बी गुणे 100 बटे बी गुणा समय। तो हमारे दो फार्मूला है, हमें इस फार्मूले से हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और हमने इसमें पांच टाइप के सवाल वो आपको लिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने पांच टाइप के सवाल आपके लिए कराएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला टाइप है जब धन अपने का ए बटा बी गुना हो जाए, यानी कि जब मद धन कहते हैं मूलधन। मूलधन वो होता है जो हम किसी से उधार लेकर आते हैं, उसे हम कहते हैं मूलधन। जब मूलधन अपने का ए बटा बी गुना हो जाएगा तो हमारा फार्मूला लगेगा वाला। ठीक है, दर बराबर ए माइनस बी गुणे 100 बटे बी गुणे समय। ठीक है, तो क्या ध्यान दीजिए, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर कितनी है? यानी कि कोई राशि का मतलब जब मूलधन, मूलधन क्या है अपने का, यानी कि 3 वर्ष में कितना गुना हो गया है, 7/6 गुना हो गया है। कौन? मूलधन, यानी कि अपने का, स्वयं का। ठीक है, 7/6 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? तो हमारा जो फार्मूला है दर बराबर ए माइनस बी गुणे 100, यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी, क्योंकि 100 यहाँ पर मुझे लिखना है 100। ठीक है, अपॉन समय, इसे क्या लिखा, अपन समय लिखा हुआ है। तो हमारा फार्मूला है, फार्मूला इसमें रख देते हैं, जो पहला, जो ऊपर की जो पहले वाली जो वैल्यू होती है वो ए की होती है, नीचे वाली वैल्यू हमारी होती है वो बी की होती है। तो हम क्या करते हैं, ए में से हम बी माइनस कर देते हैं, यानी कि ए में से बी घटा देते हैं, 7 में से 6 गए तो हमारा कितना बचा, 1। ठीक, मल्टीप्लाई में हम 100 करेंगे, अपॉन में समय, समय हमारा कितना है 3 वर्ष। ठीक है, अब 3 तो हमारा कितना आया, 100 एकम 100 अपॉन 3, और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 सही 33 सही 3 अपॉन 1। ठीक है, 30 3 99 और 100 100/3, इसकी हमारी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, 3 से भाग करेंगे तो हमारे हमारा वाला आंसर आएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? फार्मूला हमारा वही रहेगा कि इसमें क्या है कि कोई धन, यानी कि कोई धन अपने का हुआ है ना, कौन हुआ है, धन, यानी कि जो धन है वो मूलधन अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ठीक है, 5 वर्ष में, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो हमारा दर बराबर फार्मूला होता है कि हम क्या करते हैं, ए में से हम बी घटा लेते हैं, ए ऊपर वाला ए होता है, नीचे वाला बी होगा, तो ए में से बी घटाया, यानी कि 3 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 मल्टीप्लाई 100, और समय कितना हमारा 5, तो 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, 1 0 रुपये चल दिया, तो 20 एकम हमारा कितना है, 20% हमारी दर हो जाएगी। ठीक है, हाँ, जब धन अपने का ए बटा बी गुना हो जाएगा, जब मूलधन अपने का गुना होगा तब आप ए मान की दर बराबर ए माइनस बी गुणा 100/बी गुणा समय वाला फार्मूला आएंगे। ठीक है, यदि फार्मूला वही रहेगा दूसरे को टाइम में वाला हमारे, कि जब ब्याज मूलधन का ए बटा बी हो जाए, यानी कि यहाँ पर दिया है कि जब मूलधन अपने का ए बटा बी गुणा हो जाए, और यहाँ पर दिया है जब ब्याज मूलधन का हो जाए, ध्यान दीजिए यहाँ पर है जब मूलधन अपने का ए बटा बी होगा, यहाँ यानी कि यहाँ पर मूलधन अपने का हो रहा है ए बटा बी, और यहाँ पर क्या रहा है ब्याज मूलधन का, यानी ब्याज हो रहा है मूलधन का ए बटा बी। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से दिया गया है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से दिया गया है, 5 वर्ष उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है, 5 वर्ष में उसका साधारण ब्याज है वो उसके 1/4 के बराबर हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी याद कीजिए, यहाँ पर जब कौन हुआ है, ब्याज हुआ है ना, 5 वर्ष उसका साधारण ब्याज ना, ब्याज किसके, यानी कि उसके 1/4 के बराबर होता है, यहाँ पर है ब्याज हुआ है 1/4 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर हुआ था मूलधन हुआ था गुने में अपने, यानी कि मूलधन हुआ था अपने का ए बटा बी गुना, इसमें गुना हुआ था, और इसमें क्या अपने के, यानी कि इसमें ब्याज है मूलधन के 1/4 के बराबर हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, तो फार्मूला हमारा वही रहेगा दर बराबर ए, वहाँ पर हम ए माइनस बी करते थे, लेकिन यहाँ पर हम ए माइनस बी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, खाली ए कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे ए, ए कितनी हमारी इसमें, एक इसमें 1 गुणे 100, फार्मूला वही, यानी कि ए माइनस बी करते थे, वहाँ पर ए माइनस बी नहीं करना, हमें क्या करना है सिर्फ ए करना है। ठीक है, ऊपर वाले फार्मूला क्या करते ए माइनस बी, तो इस बार फार्मूला क्या करना है, माइनस का भी नहीं करना है, सिर्फ ए रखना है ए। तो अब ये कितनी है हमारी, 1, और नीचे वाली क्या होती है हमारी बी, बी कितनी है 4, गुणे समय कितना हमारा 5। ठीक है, तो 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10,
कितना है 20, और 4 से काटेंगे 20 के लिए कितना है, 4 पंजे 20, तो कितना हमारा आ गया 5% हमारा दर आ गई, हमारी ब्याज की दर कितनी आई 5%। इसी तरह से वाला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 9/25 है, ब्याज की दर कितनी है, यानी कि इसमें क्या ब्याज, यानी कि ब्याज अपने का कितना है 9/25 है, ब्याज है वह मूलधन था यहाँ पर क्या, ब्याज अपने का ये 9/25 है, ब्याज मूलधन का कितना है, यानी किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि है, उसी राशि का मतलब मूलधन का ब्याज है, मूलधन का 9/25 है, ब्याज की दर कितनी है, तो वही फार्मूला दर बराबर क्या करेंगे ए गुणा, यानी कि वहाँ पर कर देते ऊपर वाले में से नीचे वाला हटाते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना है, ए 9 ए ऊपर लिखना है गुणे 100, नीचे कितना लिखना है 20 25 गुणे समय कितना हमारा 6 25 से काटेंगे 25 चौका 100। ठीक, अब 2 का फाड़ा ऊपर भी पड़ जाएगा, 2 का फाड़ा नीचे पड़ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, और 3 का फाड़ा 3 3 9, कितना आया 3 दूनी 6, यानी कि 6% हमारा आंसर आया। ठीक, तीसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन है, जब धन अपने का एन गुना हो जाएगा, यानी कि जब धन अपने का एन गुना हो जाए, तो फार्मूला तो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ रहा है दुगुना, ठीक है, यहाँ पर एन गुना हो रहा है, वहाँ पर अपॉन था, वहाँ पर क्या था अपॉन था, इसलिए एक को हम मानते थे ऐसे, वहाँ पर था अपॉन पिछले वाले क्वेश्चन में, यानी कि 3/2 इस टाइप से था, तो पहले वालों को ए मानते थे, दूसरे वालों को क्या मानते थे बी, लेकिन यहाँ पर अपॉन में नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या है दुगुना लिखा हुआ है, यानी गुने में लिखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, फार्मूला हमारा वो रहेगा दर बराबर, ठीक, इसमें क्या करेंगे जो हमारा जो गुना होगा, गुना में से एक घटा देते हैं, यानी जितने गुना हुए दुगुना हुए 3 गुना हुए उसमें से घटा देंगे, दुगने में से एक घटा देंगे, जितना गुना होता है उसमें से क्या करते हैं एक माइनस कर देते हैं, दुगना है दुगने में से क्या करेंगे एक हम घटा देंगे, तो एक तो बचेगा, ठीक है, दुगने यहाँ के दुगना माइनस होता है 2, उसमें से हम क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा एक ही बचेगा, और मल्टीप्लाई में फार्मूला हमारा क्या चला 100 अपॉन कितना होता है वही समय, अपॉन में कितना आते हैं हमेशा समय, ठीक है, समय आता है 5, तो 5 से हम जो भाग करेंगे कितना आएगा 5 दूनी 10 20 आया, 5 10 आगे वाला 0 ऐसे लिख देंगे 20, अब 2 में से आ गया 1 और 20 एकम 20 20%। ठीक, फिर अगला, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो फार्मूला हमने अभी बताया था, वो फार्मूला वही हमारा जो जो दूसरा हमने फार्मूला बताया है, दूसरा वाला फार्मूला ही हमारे काम आ रहा है, कि दर बराबर उसमें क्या होता था ए माइनस बी गुणे 100/B गुणा समय होता था, लेकिन यहाँ पर ए भी है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें क्या करेंगे वो फार्मूला हमारा वही रहेगा कि दर बराबर यहाँ पर गुना है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम, तो गुने में क्या कर रहे हैं लोग, हाँ मैंने अभी बताया था कि जो गुना वाला होता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं, जितना गुना होगा उसमें से हम क्या कर देंगे एक माइनस होंगे, फार्मूला हमारा एक ही चला है कि दर बराबर ए माइनस बी गुणे 100/B गुणे समय वाला फार्मूला हमारा चला है, लेकिन इसमें क्या है कि जो जिसमें गुना होता है उसमें क्या करते हैं माइनस एक कर देते हैं, यानी कि 4 हमारा 4 गुना तो 4 में से करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 3 4 में से जाएगा कितना 3 गुणे 100, फार्मूला हमारा चलता रहा कि 100 हर बार में चल रहा है, और नीचे था बी गुणा समय, जब यहाँ पर बताया था कि जिस संख्या अपॉन में होती है तब एक ए मानते हैं दूसरा क्या मानते हैं बी मानते हैं, इसमें अपॉन में कोई संख्या नहीं इसलिए ए और बी की बात यहाँ पर नहीं चलेगी, तो नीचे क्या बचेगा सिर्फ समय बचेगा, और समय हमारा पूछ रहा है इसमें दर कितने वर्षों में हो जाएगा, तो यहाँ पर समय है और यहाँ पर कितना हो जाएगा दर, तो हम क्या करते हैं समय और दर को हम अदला बदली कर देते हैं, यदि दर निकालना है तो समय यहाँ लिख देते हैं, और समय निकालना है तो समय यदि हमें समय निकालना है तो दर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर समय ने कितने वर्षों में निकालना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर समय मान ले रहे हैं समय या टी मान ले रहे हैं समय के लिए, और इसमें हम क्या करेंगे दर, दर कितनी हमारी 10, हाँ दर दर 10 धाम 100, तो 10 दिया 30, तो हमारा समय कितना आ गया 30 वर्ष, ठीक है, तो यह ध्यान रखने सभी लोग कि जिसमें गुना होता है साधारण ब्याज वाले प्रश्न में क्या होगा, जिसमें गुना होगा दुगुना तिगुना उसमें से हम क्या करेंगे एक हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, अगले टाइप क्वेश्चन हमारा, अगला टाइप का क्वेश्चन हमारा, जब
धनटी वन वर्ष में अपने का एन गुना वन और टी टू वर्ष में अपने का एन टू गुना हो जाएगा। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि इसमें दो समय दिए हुए हैं, यानी कि एक टी वन एक टी टू, यानी कि दो समय दिए हुए हैं और दो ही इसमें क्या दिए हैं गुना दिए हुए हैं, यानी कि दो गुना दिए हैं दो समय दिए हैं, तब हमारा फार्मूला वो अलग लगेगा। और इसमें क्या होता है एक समय दिया हो, इसमें क्या दिया दिया था एक समय और एक गुना दिया था, यानी कि एक समय दिया है और क्या तुम्हारा गुना दिया है, यानी कि एक समय पूछ रहा है और एक ही क्या तुम्हारा गुना था, इसमें दर और गुने की बात चल रही थी। इसमें क्या है कि इसमें समान दर होगी, ठीक है। अब इसमें दो समय दिए हैं और दो ही क्या है गुना, तो हमने बताया कि गुने में, गुने वाले सवाल में क्या करते हैं एक हम माइनस कर देते हैं, तो इसमें जो दो दो समय है तो हम क्या करेंगे इसमें भी, यानी कि कोई धन, क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई धन राशि 20 वर्ष में 7 गुनी होती है वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर समय हमारे कितने दिए हैं दो दिए, क्योंकि एक समय दिया है और एक पूछ रहा है कि कितने वर्षों में हो जाएगी, तो हम एक को टी मान लेंगे टी वन, एक को क्या मान लेंगे टी टू, यानी कि टी वन अपॉन टी टू बराबर क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपसे बताया कि गुने में से क्या करते हैं घटाते हैं एक, तो पहला 7 गुना है तो 7 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और दूसरा है गुना 13 और 13 में से जाएगा कितना 12, ठीक है। और समय जो पहला समय दिया था वो कितना दिया था 20, तो यहाँ पर मैं 20 कर दे रहा हूँ, ठीक है 20, तो हम इसे काट देते हैं 6 कम 6 और 6 दुनी 12, ठीक है। जब बराबर की, जब बराबर का निशान होता है तो संख्या की मल्टीप्लाई हम करते हैं तिरछी कर देते हैं, यानी कि इधर 20 अपॉन टी टू है और यहाँ पे 1 अपॉन टू तिरछी गुणा कर देंगे, टी टू एकम टी टू बराबर 20 दुनी 40, तो हमारा समय कितना हो गया 40 वर्ष। ऐसे यहाँ देखें एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है वह कितने वर्षों में 5 गुनी होगी, तो यहाँ समय कितने दिए हैं दो दिए, यानी एक वर्ष दिया है और एक वर्ष पूछ रहा है, तो वही सिस्टम कि जब एक दिया है तो पहले ऊपर वाला समय लिखते हैं 5, इसका दूसरा वाला टी टू मान लेंगे जो पूछ रहा है हमसे, और जो गुना पहला गुना है उसमें से जितने गुने होते हैं उसमें क्या करते हैं माइनस कर देते हैं 3 गुनी है, तो 3 में से गया 2 और 5 में से गया कितना बचा 4, गुने वाले में से कम कर देते ना। अब तिरछी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, पहले काट दिए कट रहा तो काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 दुनी 4, तो क्या करेंगे तिरछी मल्टीप्लाई की संख्या जो अपान में होती है और इक्वल यानी बराबर का निशान होता है तो अपान कर देते हैं, टी टू एकम टी टू बराबर 5 दुनी 10, ठीक। अगला टाइप का क्वेश्चन हमारा चक्रवृद्धि ब्याज वाला, ठीक है। ये चक्रवृद्धि वाला क्वेश्चन है, काफी इजी है, ध्यान दें। इसमें गुना वाला है ना, हमने सब आज जो क्वेश्चन किए गुने वाले किए, ठीक है। तो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, ध्यान दीजिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुने दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी इसमें 2 गुने हैं और 2 समय हैं, ध्यान देना आप। इस वाले क्वेश्चन में भी 2 समय थे, यानी कि 2 समय, एक समय दिया था एक समय पूछ रहा था और 2 गुना इसमें भी दिए हुए हैं। और इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर एक समय दिया है और दूसरा समय क्या है पूछ रहा है और 2 गुना इसमें भी दिए हैं, मगर चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में जो पहला गुना है और दूसरा गुना आता है, दूसरे गुने के हम करेंगे फैक्टर, समझ रहे, दूसरे गुने क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे, जैसे 2 चौक 8 2। अब इसमें देखना है जो दूसरा जो पहला वाला गुना दिया है उसमें संख्या कौन सी 2 है, तो इसका मतलब कि 2 नीचे लिखना है हमें, 2 कितने लिखना है नीचे लिखना है, और 2 कितनी बार आया 3 बार, तो पावर में लगाने 3, ठीक है। जितनी पावर आई ऊपर लगा देंगे 3, यानी कि 2 कितनी बार आया 3 बार, तो 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर जितने होंगे वो नीचे लिखे जाएंगे, यानी जो पहला गुना होगा 2 गुना हो या 4 गुना हो वो नीचे लिखा जाएगा और उसकी जितनी पावर आएगी ऊपर लिखी जाएगी, ठीक है, जितनी बार आया उतनी लिख देंगे। इसका हम फैक्टर करते हैं, दूसरे जो दूसरा वाला गुना होता है पहले हम उसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक। 2 की पावर कितना आया 3, जो पावर होगी उसकी मल्टीप्लाई हम समय से कर देंगे, ठीक है, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, कब, जब चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन दिया है तब, यानी कि 3 × 5 15, हमारा 15 ऐसा हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तदनुसार वह मूल की, यानी कि मूल माने धन, यानी मूलधन की 8 गुनी कितने समय में हो पाएगी। अब यहाँ पर हमने बताया कि साधारण ब्याज वाले में भी 2 समय थे और 2 गुने दिए थे, और चक्रवृद्धि ब्याज वाले में भी 2 समय हैं और 2 गुने दिए हैं, मगर चक्रवृद्धि ब्याज वाले में जो 2 समय और 2 गुने दिए हैं यहाँ पर हम कोई फार्मूला का यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि जो बाद वाला जो गुना आएगा
उसका हमें किस आधार पे मल्टीप्लाई करने हैं? जो पहले वाला जो गुना दिया है दुगना है, यानी कि इसमें यहाँ दो लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना 8, तो अब 8 के मैं फैक्टर कर लूँगा, 2 चौक 8 कितना है 2 आया, और दुगनी यानी कि पहला बारह कितना है 2 गुना है, तो 2 नीचे लिख देंगे और 2 कितनी बार 3 बार आया, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन सेम हो गया हमारा, ठीक है। और 3 और मैं बताया था जो पावर में आती है, पावर की संख्या हम क्या करते हैं समय से कर देते हैं, 3 पंजे 15 हमारा इसी का सेम टू सेम सवाल थे, इसलिए हमारा वही आंसर आया, ठीक है। इसमें हिंदी में लिख दिया 8 गुना, इसमें 8 गुना वैसे लिखा हुआ है। तो ध्यान देना चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन में जब 2 समय और 2 गुना दिए होते हैं तो जो लास्ट वाला गुना होता है उसके हम फैक्टर करते हैं, और उसी के आधार पर जो पहला गुना होता है उसको हम नीचे लिख देते हैं, और उसी के आधार पर पावर चढ़ाते हैं, ठीक है। यदि पहला वाला गुना 2 गुना तो नीचे 2 लिख देंगे, 4 गुना तो नीचे हम 4 लिख देंगे, पावर हम उसी प्रकार से हम उस पर चढ़ाएंगे, जितनी हमारी पावर आएगी उसकी गुणा हम समय से कर देंगे, तो हमारा जो आंसर वो निकल आएगा चक्रवृद्धि ब्याज वाले में, इसलिए कोई फार्मूला का यूज नहीं करना है। और जब साधारण ब्याज वाला दिया क्वेश्चन है और इसमें 2 समय दिए हुए हैं तो हम पहले T1 अपॉन T2 इक्वल गुना माइनस के बन, यानी कि पहला गुना दूसरा गुना, ठीक है। हम बता हमें आपको बता दिया कि साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन में यदि गुना दिया है तो आप इसमें क्या करेंगे माइनस का 1 कर देंगे, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन सॉल्व